लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नई मुंबई के चिंचपाड़ा में वंदनीय बाला साहब ठाकरे कोविड केयर हॉस्पिटल और बायोगैस विद्युत उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। इन उपक्रमों की स्थापना शिवसेना नेता विजय चौगुले द्वारा नई मुंबई महानगर पालिका माइंड स्पेस बिजनेस पार्क और सांसद राजन बिचारे की सहयोग निधि से की गई है। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इन उपक्रमों का उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया कि अत्याधुनिक कोविड केयर हॉस्पिटल से जहां स्लम इलाकों के नागरिकों को सुलभ कोरोना उपचार मिलेगा, वहीं बायोगैस बिजली केंद्र से 3000 घरों के लिए बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने इन जनसेवी उपक्रमों के लिए शिवसेना नेता विजय चौगुले और युवा नेता ममित चौगुले के विजन और प्रयासों की भी सराहना की। देखिए रिपोर्ट। ऐरोली के स्लम इलाके चिंचपाड़ा में कोरोना उपचार के लिए अत्याधुनिक कोविड केयर हॉस्पिटल और घन कचरा से तैयार होने वाले बायोगैस विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। आज इन उपक्रमों का पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर, युवा नेता ममित चौगुले समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि यहाँ कोविड केयर हॉस्पिटल की स्थापना शिवसेना नेता विजय चौगुले द्वारा मनपा की मदद से की गई है। वहीं बायोगैस बिजली उत्पादन केंद्र के लिए नई मुंबई मनपा ने 48,62,000, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क ने 62,50,000, जबकि सांसद राजन विचारे ने 70,00,000 की सांसद निधि प्रदान की है, जिससे शिवसेना नेता विजय चौगुले ने तैयार कराया है। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया कि अत्याधुनिक कोविड केयर हॉस्पिटल से जहां स्लम इलाकों के नागरिकों को सुलभ कोरोना उपचार मिलेगा, वहीं बायोगैस विद्युत उत्पादन केंद्र से 3000 घरों के लिए बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने शिवसेना नेता विजय चौगुले और ममित चौगुले के जनसेवी उपक्रमों की भी सराहना की। महाराष्ट्र मध्ये पहिला प्रकल्प आज या विभागामध्ये विजय चौगुले यांच्या प्रयत्नाने सुरू होतोय। खासदार राजन विचारे यांनी त्याला 70,00,000 रुपये खासदार निधी दिलेला आहे। बायोगॅस प्रकल्प सुरू झालेला आहे। आपल्या जो काय ओला कचरा आहे त्याचं वेस्टेज जे आहे यापासून हा प्रकल्प सुरू झाला आहे। त्याच्यामधून लोकांना कुकिंग गॅस मिळेल, रस्त्यावरचे दिवे लागतील आणि एक मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प खरेच महाराष्ट्रातला पहिला प्रकल्प आज या ठिकाणी झाला आहे। त्यामुळे मी खासदार आणि विजय चौगुले या दोघांचंही अभिनंदन करतो। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कोविड सेंटर या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे। मुख्यमंत्री महोदयांची जी संकल्पना आहे, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी आणि माझी सोसायटी माझी जबाबदारी, असं जे काही संकल्पना इथे राबवली त्या माध्यमातून देखील एक अद्ययावत आणि उत्कृष्ट असं कोविडचं हॉस्पिटल या ठिकाणी उभं आहे। नॉन ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन आहे, त्याचबरोबर आय सी यू देखील आहे आणि लहान मुलांसाठी पिडियाट्रिक आय सी यू देखील आहे। त्यामुळे लागण होऊ नये, हे हॉस्पिटलची आवश्यकता लागू नये, परंतु दुर्दैवाने जर आवश्यकता लागली तर सर्व सुविधा यामध्ये दिलेल्या आहेत अद्ययावत अशा। लहान मुलांसाठी देखील त्या ठिकाणी मनोरंजनासाठी देखील खेळणी आहेत, कार्टून फिल्म आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याचं एक चांगलं आयोजन आणि नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे।
इस कार्यक्रम में कोविड से जान गंवाने वाले एक परिवार के अनाथ हुए दो बच्चों को आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा गया। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां पीएम राहत कोष से मिले 10-10 लाख, सीएम राहत कोष से मिले 5-5 लाख और शिवसेना नेता विजय चौगुले की ओर से दिए गए अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 1100 रुपये की सहायता राशि बच्चों को सुपुर्द की। जाहिर है चिंचपाड़ा में विकास उपक्रमों के मंच से जिस सरानाथ बच्चों की मदद की पहल की गई वह काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।